राजनगर थाना क्षेत्र में रहने वाले युवक मोहम्मद सलीम की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक घर से नमाज पढ़ने का कहकर निकला था, लेकिन उसका शव मिला। घटना की जानकारी के बाद पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और जांच में जुट गई। इंदौर के लसुरा थाना इलाके में पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गिरोह के 3 सदस्यों को पकड़ा। बता दें कि युवक नशे के आदि थे, जिसके चलते अपराध करते हैं। इंदौर के इंटीरियर डिजाइनर करुणा शर्मा ने 1 नवम्बर की रात दुपट्टे का फंदा बांध कर फांसी लगा ली थी। वह कर्ज में डूबी थी और कई लोग उससे पैसा मांग रहे थे। इस मामले में करुणा शर्मा ने 12 पेज का सुसाइड नोट लिखा था। इसमें करुणा ने आदित्य अग्रवाल, प्रमिला अतिवा, कृष्णा और मोना के खिलाफ लसुड़िया पुलिस पर प्रताड़ित करने के अपराध में केस दर्ज कर लिया। 1 नवंबर मंगलवार की शाम करुणा को पति उत्तम लगातार कॉल कर रहा था, लेकिन वो फोन रिसीव नहीं कर रही थी। उत्तम ने जब मोबाइल फोन पर करीब 700 किलोमीटर दूर भिलाई से अपने घर में लगे CCTV कैमरे के फुटेज खंगाले तो पत्नी फंदे पर लटकी मिली। फांसी लगाते वक्त वह फ्लैट में अकेली थी। उत्तम ने तत्काल पड़ोसी को फोन लगाकर भेजा। इंदौर शहर में नाइट कल्चर शुरू होते ही देर रात तक शहर गुलजार नजर आता है, लेकिन कुछ लोग इसका फायदा उठाकर बिना परमिशन के देर रात तक अपनी दुकान संचालित कर रहे हैं। ऐसे ही बिना परमिशन के दुकान संचालित करने वाले 2 दुकान संचालकों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है। नाइट कल्चर शुरू होते ही देर रात तक दुकानें शहर में खुली नजर आती है। वहीं पुलिस लगातार ऐसे दुकानदारों पर कार्रवाई कर रही है जिनके पास देर रात तक दुकान खोलने की परमिशन नहीं है। इंदौर के विजयनगर थाना पुलिस ने धारदार हथियार के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। बता दें कि पुलिस रोजाना की तरह चेकिंग कर रही थी। उस दौरान पुलिस को सूचना मिली कि पिचर्स बार की पार्किंग में एक युवक खड़ा है, जिसके पास चाकू भी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने बताए गए हुलिये के आधार पर सूरज खोड़े नाम के युवक को पकड़ा, जिसकी तलाशी लेने पर सूरज के पास से एक खटकेदार पुलिस को चाकू मिला। पुलिस ने तुरंत सूरज को गिरफ्तार कर उस पर आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की।